हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक देख रहे हैं, तो ये इसका सातवां एक्सरसाइज है, ज्योग्राफी का चट्टान, जिसमें मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है, इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 150। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? अग्नीय चट्टान। फिर से पढ़ते हैं, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के, मतलब पृथ्वी के अंदर जो द्रव पदार्थ है, जिसे हम लावा कहते हैं, ज्वालामुखी के थ्रू जो बाहर निकलता है, तो वो पदार्थ जब घनीभूत होकर मीन्स जम जाता है, तो उससे जो बना गया चट्टान उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अग्नीय चट्टान या इग्नियस रॉक। याद रखिएगा, इग्नियस रॉक जो होता है उसमें फॉसिल फ्यूल नहीं होता है, मींस जीवाश्म नहीं होता है। आपसे प्रश्न आएगा कि कौन से रॉक में या कौन से चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, तो अग्नीय चट्टान याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? तो प्राथमिक श्रेणी भी कहा जाता है अग्नीय चट्टान को ही, अग्नीय चट्टान। नेक्स्ट है, अग्नीय सेल कहलाता है, तो मौलिक सेल या प्राइमरी सेल या प्राथमिक चट्टान, सब इसी को कहा जाता है। फिर निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, मीन सबसे पुराना, तो वो कौन सा होगा? अग्नीय, क्योंकि धरती जो है, पृथ्वी हमारा पहले क्या था? आग का गोला था, और उसका अभी भी ओरिजिनल फॉर्म जो है कोर में है, वो आग का गोला, तो वही जब बाहर निकलता है तो वही होता है लावा, और फिर यही जो जमता है तो होता है ठोस, तो वही मीन्स इग्नियस रॉक जो होता है, क्या होता है? वो सबसे प्राथमिक या सबसे पुराना चट्टान माना जाता है। नेक्स्ट है, अग्नीय चट्टान बनता है तो कैसे बनता है? कई बार जिक्र कर दिया, गर्म लावा के ठंडे होने पर, गर्म लावा के ठंडे होने पर। फिर है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो उससे हम करते हैं चट्टानों की कठोरता, चट्टानों की कठोरता मापने के लिए हम किसका करते हैं? मोह स्केल का। फिर है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना की अगर हम बात करें तो करते हैं अधिवितलीय या प्लूटोनिक, अधित वितलीय या प्लूटोनिक में ग्रेनाइट की गणना मीन्स इस प्रकार के चट्टानों में करते हैं। नेक्स्ट है, अग्नीय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अग्नीय चट्टानों में परतों पर पूर्णता अभाव पाया जाता है, ये सही है। उसमें मीन्स चट्टान में परत होता ही नहीं है, पूरा सॉलिड, परतदार को कहा जाता है मीन्स मेटामॉर्फिक, ठीक ना। फिर एक चट्टानों के रवे या क्रिस्टल पाए जाते हैं, ये सही है, ये पूरा एक ही चट्टान होता है, मीन्स एक ही टाइप का मिलेगा आपको। इन चट्टानों में जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल का अभाव होता है, ये भी सही है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, इन चट्टानों में जोर पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये क्या होता है? एक ही फॉर्म का बना होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, मीन्स इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर जो सेल शेष अन्य से भिन्न है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार अग्नीय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं बैथोलिथ, बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? मीन्स ये सब सूक्ष्म जीव मतलब हो गया कि जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो किस में होता है? अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें जीवाश्म पाया जाता होगा। नेक्स्ट है, धरातल में सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? मीन सबसे अधिक कौन सा चट्टान है? तो वह है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट है, भूपरपट्टी पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? ये तो जान लिए कि सबसे अधिक क्या होता है? अवसादी चट्टान। तो कितना होता होगा? 75%, 75%। फिर है, सॉरी, नेक्स्ट है, भूगर्भ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है, मीन्स भूगर्भ या भूपृष्ठ जो हमारा बना हुआ है, तो उसमें अवसादी सेलों का चट्टान उसका मात्रा कितना है? 5%, 5% मीन्स भूपृष्ठ, मीन्स ऊपर वाला जो पृष्ठ है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, तो उसमें क्या है? अवसादी चट्टानों की मात्रा बहुत कम है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो उसमें क्या आता है? कोयला, कोयला। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो ये क्या है? परतदार, मेटामॉर्फिक चट्टान है, सॉरी मेटामॉर्फिक नहीं बोलेंगे हम इसको, इसको परतदार ही बोलेंगे। मेटामॉर्फिक कहते हैं हम रूपांतरित चट्टान को, जो
ट्रांसफॉर्म होकर नया चट्टान बनेगा, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्राचीन संतरित, प्राचीन संतरित, यानी तो अगर अब सादी चट्टान रहता तो उसमें भी हम टिक करते, पर वो नहीं है तो प्राचीन संतरित। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चूना पत्थर, सैल और बलुआ पत्थर, ये सब क्या है, मीन्स परतदार चट्टान है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया हमारा। तो इसमें भी जिप्सम, क्लोमरेट, डोलोमाइट, ये सब क्या है, परतदार चट्टान है। स्लेट क्या है, परतदार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है, तो वो क्या है, संगमरमर। संगमरमर किस प्रकार का है, विलग प्रकार का। पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है, तो वो हुआ है कयांत्रित चट्टान, कयांत्रित चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है, क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट है चूना पत्थर या लाइम स्टोन का कयांत्रित रूप होता है, तो उसका कयांत्रित रूप क्या होता है, संगमरमर। चूना पत्थर से ही बनता है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, मीन्स मेटामॉर्फिक चट्टान जो हम बोलते हैं। देखो मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। तो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें से, नीस, नीस। निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टान है, कयांत्रित चट्टान इसमें से कौन सा है, संगमरमर, पहले ही पढ़े हैं अभी हम। संगमरमर क्या है, कयांत्रित चट्टान है। नेक्स्ट है नीस, स्पेलिंग GNISS होता है। चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि का होता है, तो वो होता है परिवर्तित, परिवर्तित ट्रांसफॉर्म होता है वो। निम्नलिखित में से आपको सुमेलिखित करना है, तो स्लेट क्या होता है, कयांत्रित चट्टान। लिग्नाइट क्या होता है, अवसादी चट्टान। बॉक्साइट क्या होता है, अलोह चट्टान। और ग्रेनाइट होता है अग्नीय चट्टान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण होता है, तो वो होता है एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बालू पत्थर यही नहीं है, ये रूपांतरित चट्टान का होता है, यही गलत हो गया। फिर चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट नीस और ग्रेवो एस्पेनाइट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो देखो स्लेट, यीस्ट और फ्लाइव क्या है, ये सब रूपांतरित चट्टान है, बस डायराइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, मीन्स जो चट्टानों का रूपांतरण होता है उसके लिए कौन जो है वो इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ताप जरूरी है, दाब भी जरूरी है और घुलन भी जरूरी है, तो अपरदन होगा आंसर, अपरदन। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है, अवसादी सेल को संतरित भी कहा जाता है, संतरित सेल भी कहा जाता है। ये पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था तो कि पेट्रोलियम किस टाइप का पदार्थ है, तो हम संतरित था ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन में या तो अवसादी सेल आएगा या संतरित सेल आएगा, ये क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान में से कौन सा है, तो स्लेट, अभी हम पढ़े थे स्लेट, यहाँ पे देखो रूपांतरित चट्टान का स्लेट पढ़े हुए थे। नेक्स्ट है स्लेट और संगमरमर है क्या है, कयांत्रित चट्टान, कयांत्रित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, दोनों सेम ही होता है। निम्नलिखित में से अग्नीय चट्टान कौन सा होता है, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होता है, सबसे अधिक शक्ति होता है अवसादी में, अवसादी, क्योंकि उससे को पेट्रोल डीजल सब कुछ मिलता है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली या सबसे अधिक यूजफुल हम उसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित सेल है, मीन्स जो चेंज होता है, मीन्स रूपांतरित चट्टान, इसमें से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, संगमरमर, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो देखो स्लेट भी है, संगमरमर की भी है, एस्पेटिक भी है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या, ये क्या है, अग्नीय चट्टान है। तो ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।